गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ा होगा, आज हम बात करेंगे हाउ टू बाय बेस्ट एंड चीपेस्ट गिटार इन इंडिया। तो मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कम से कम नहीं तो 7-8 मैसेजेस आ गए थे मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाने को, तो बना दी आज। तो बात करते हैं इस टॉपिक पे आज, और लेट्स गो। और मैं हूँ सार्थक, आप देख रहे हैं सारमन व्लॉग्स एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो द फर्स्ट गिटार विच आई हैव इज अकोस्टिक गिटार। ये हर्ट्स कंपनी का है, दैट्स माई फेवरेट कंपनी विच आई यूज नॉर्मली इन ऑल माई गिटार्स। मोस्टली आई हैव 3 गिटार्स, आई हैड मैनी बिफोर बट इन यूज आई हैव ओनली 3 गिटार्स। सो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज़ द हर्ट्स अकोस्टिक गिटार, अ नॉर्मल गिटार फॉर बिगनर्स। सो ये गिटार वो लोग के लिए अच्छा है हु आर स्टार्टिंग, हु आर विलिंग टू डू समथिंग इन म्यूजिक, और दे आर स्टार्टिंग, और दे गुड दे और दे कैन सिंग वेल एंड दे नीड सम म्यूजिक, दे कैन प्ले देम सेल्स। सो दिस इज़ द बेस्ट गिटार फॉर देम, दिस इज द अकोस्टिक गिटार। एंड फॉर अकोस्टिक गिटार आई द कंपनी विच आई रिकमेंड इज फेंडर। फेंडर की स्टार्टिंग जो होती है अकोस्टिक गिटार की फॉर बिगनर्स इज़ ₹2,000। सो द फर्स्ट गिटार विच आई बॉट, जो सबसे स्टार्टिंग का था व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, सो आई बॉट दैट वन, दैट कॉस्टेड मी ₹2,000। सो एंड द सेकेंड वन, दिस इज द अकोस्टिक, सो दिस कॉस्टेड मी अराउंड ₹6,000। 6,000 के अंडर अकोस्टिक गिटार्स आ जाते हैं नॉर्मली, और इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी कंपनी का ले रहे हैं। इफ़ यू आर टेकिंग कुछ कोई और कंपनी का, सो जैसे गिप्सन वगैरह है, गिप्सन आर मोर कॉस्टली, तो गिप्सन पे मत जाइए इफ़ यू आर अ बिगनर। तो यू कैन टेक इट हर्ट्स और फेंडर, आई रिकमेंड हर्ट्स एंड फेंडर फॉर ऑल द गिटार्स, दे आर द बेस्ट कंपनी विच आई यूज। सो गाइज दिस इज द सेमी अकोस्टिक गिटार और सेमी इलेक्ट्रिक। So this guitar is also from Hertz, Hertz Premium. So don't think that Hertz and Hertz Premium are different companies. They are same companies but different class. Like this is a higher class at, yes of course cost is aur zyada hai. But yes, this is a guitar for people who have just covered beginner class, jinhone cover kar liya hai and want to play something great on guitars and want to check how गिटार्स आर एंड उनकी रियलिटी क्या है, कैसे सबसे अच्छा प्ले कर सकते हैं। तो अकोस्टिक गिटार में इतना मज़ा नहीं आता है, व्हेन यू आर अ बिगनर दैट्स फाइन, व्हेन यू आर अ बिगनर और आप उस पर प्ले कर रहे हो दैट्स फाइन, बट व्हेन यू इंक्रीज योर लेवल तो आपको लगता है कुछ और नया बजाना चाहिए, तो ये उनके लिए है। एंड तो मेन क्वेश्चन आप लोग सब ये सोच रहे होंगे कि अकोस्टिक गिटार और सेमी अकोस्टिक गिटार में डिफरेंस क्या होता है। तो अकोस्टिक गिटार में क्या है कि आपका ये इनपुट नहीं होता है, सम गिटार्स में होता है बट गुड क्वालिटी नहीं होती, आपकी आवाज़ ही नहीं आती है उसमें, गिटार की आवाज़ नहीं आती। तो इसमें आपको इनपुट दे रहे हैं पूरा, फिशमैन का इनपुट है ये पूरा, और इसमें आपको दे रहे हैं इनबिल्ट ट्यूनर दे रहे हैं और ट्रेबल दे रहे हैं। सो लाइक यू कैन इनपुट द जैक और इस पर आप अपना सेट कर सकते हैं कि आपको क्या वॉल्यूम रखनी है, सो सब आप सेट कर सकते हैं इस पर। सो ये है मेन डिफरेंस अकोस्टिक और सेमी अकोस्टिक का। तो दिस गिटार आई बॉट फॉर 15,000। सो सेमी अकोस्टिक गिटार की रेंज ऐसी शुरू होती है 10,000 to 18,000 ऐसी, तो इसके बीच में ही आपके सेमी अकोस्टिक गिटार्स होते हैं। सो ये गिटार मैंने लिया था guitarwala.com से, फन के सामने लखनऊ, तो वहाँ से मैंने ये गिटार लिया था एंड दैट्स द बेस्ट सेलर आई हैव एवर सीन लखनऊ में फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सो यू कैन विजिट देयर ऑल्सो। गाइस दिस इज द थर्ड गिटार, दैट्स द इलेक्ट्रिक गिटार। तो इसकी तो बात ही अलग है कि जो आप लोग ने देखे होंगे कि रॉक बैंड और परफॉर्मेंसेस में जो गिटार बजते हैं, दैट्स नॉट दिस गिटार, दैट्स नॉट अकोस्टिक और सेमी अकोस्टिक, ये होते हैं इलेक्ट्रिक गिटार। और इसमें क्या है, द मेन थिंग इज़ कि आप अगर नॉर्मल स्ट्रिंग्स बजाओगे आपको कुछ आवाज़ ही नहीं आएगी, लुक आई एम प्लेइंग यू कांट हेयर इट। तो इसमें क्या होता है कि जैक का इनपुट होता है, ये जैक का इनपुट है, जैक के बिना चलता ही नहीं है।
आपको मज़ा ही नहीं आएगा। और इसमें आपको वॉल्यूम का कंट्रोल दिया हुआ है, टोन का दिया है, डबल टोन का दिया हुआ है, तो इट हैज़ ऑल कंट्रोल्स इन इट। और ये है स्क्वायर का, फेंडर का, द बेस्ट कंपनी फॉर इलेक्ट्रिक गिटार इज फेंडर ओनली। सो आई बॉट दिस वन फॉर आई थिंक 20,000 फ्रॉम गिटार वाला .com ओनली। तो ये दिस इज़ द इलेक्ट्रिक गिटार, और ये उन लोग के लिए होता है दैट हु गोज टू परफॉर्म, जिनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं एंड रॉकिंग परफॉर्मेंसेज विद ड्रम सिंगिंग, तो ये उन लोग के लिए गिटार है। विचार मतलब उन लोग को एकदम अलग ही लेवल पर बजाना आता है सबसे अच्छा, तो ये गिटार उन लोग के लिए है।